When we get angry, we mistakenly think that we are being heroic in intimidating others. जब हमें गुस्सा आता है तो हम ये सोच रहे होते हैं कि यार हम बड़े हीरोइक लग रहे हैं जब किसी को डांट डपट रहे हैं, किसी पे गुस्सा दिखा रहे हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं इसको डांट रहा हूँ तो ये मेरे से इंफीरियर है, तो एक फीलिंग आती है, छोटे छोटे सुख है ये अपने। इंटिमिडेट करना, टिम का मतलब फियर होता है, जानते हो आप, कई बार बता चुका हूँ, टिमिड कायर यहीं से आया जो बचपन से पढ़ा है, और इन का मतलब अंदर, टिम का मतलब फियर। इंटिमिडेट करते हो तो डर किसी के अंदर डालते हो, किसी को धमका रहे हो, डरा रहे हो, तो उसमें अगर आपको हीरोइक फील हो रही है, what we don't realize is that becoming aggressive or violent is very easy and that there is nothing remarkable about it. Gussa ho jana, violent ho jana, bada aasan kaam hai. Usme koi aisi bahut badi baat nahi hai, there is nothing remarkable. On the contrary, it is a sign of weakness because we are letting random occurrences disturb our mental calm. Maine pehle bhi aapko jab reaction aur response samjhaya tha, tab bhi ye baat kari thi ki ye to aapke halke pan ke kamzor hone ki nishani hai agar aapko gussa jaldi aata hai. कई बार सेशंस में ये बात हुई है कि जो लोग हल्के होते हैं उनको जल्दी, वो जल्दी नाराज भी हो जाते हैं और जल्दी खुश भी हो जाते हैं। तो जो भी आपके आसपास इस तरह के ट्रेट्स वाले लोग हो, समझ ले कि वो कमजोर आदमी है बेचारा या कमजोर महिला पुरुष, कोई भी है, इंडिविजुअल।